सीमाओं से इन सब का विजन है और लोग समझ चुके हैं कि जो कार्रवाई जो कारकर्दगी पीडीपी की बहुत कम अरसे में रही वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की 40-45 साल में भी रही। पीडीपी ने साउथ कश्मीर को लेके अगर आप देखें यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस एम्स मेडिकल कॉलेजेस सड़कों का जाल बिछाया, खासकर लोगों को जो उसको जुल्म था सितम था पोटा का टास्क फोर्स का इरवान का आर्मी का उसे नजात दिला दिया लोगों को। इसलिए लोग समझते हैं अगर आज वोट की इज्जत है वो इज्जत इसलिए कि पीडीपी सामने खड़ी है। अगर पीडीपी सामने खड़ी नहीं होती, अगर मुफ्ती साहब ने पीडीपी नहीं बनाई होती तो आज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस वो तानाशाही के माहौल में इस वक्त भी काम कर रही होती। तो लगातार निशाना बना रही है यहाँ की इलाकाई पार्टियों को और टीम खादा की राज को लेकर जो है काफी बयान दे रही है, तो कैसे रिएक्ट करेंगे? क्या करेंगे? फ्रस्ट्रेटेड है, उनको पता है जो उन्होंने जम्मू कश्मीर में 5 साल पहले किए हैं, लोग बहुत गुस्से में हैं, लोग उनसे बहुत नाराज हैं और लोग जो है बैलेट का इस्तेमाल करके उनको जवाब देना चाहते हैं, इसलिए वो कुछ भी कह सकते हैं। लगातार एलायंस की जानिब से दावा लगाए जा रहे हैं कि जो अलायंस पार्टियां नहीं बन चुकी है वो बराह रास्त बीजेपी को फायदा पहुंचा रही है। वो तो आपने सुना ही होगा कि धर्मेंद्र राणा साहब ने क्या कहा कि जिस वक्त दिल्ली से बीजेपी के लोग हमारे दरवाजे पे खड़े थे 3 महीने की सरकार बनाओ, तो दिल्ली जाके नेशनल कॉन्फ्रेंस का कौन सा बड़ा लीडर अमित शाह से मिलता था और कहता था हमारे साथ सरकार बनाइए बिला शर्तों शुरू। उसके बाद आज तक भी रात को जो गुलाम नबी आजाद साहब ने बयान दिया कि किस तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप रात के अंधेरे में बीजेपी लीडरों से दिल्ली में मिलती है, अब मैं क्या कहूँ उसका? शुक्रिया से इन सबका विजन है और लोग समझ चुके हैं कि जो कार्रवाई जो कारकर्दगी पीडीपी की बहुत कम अरसे में रही वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की 40-45 साल में भी रही। पीडीपी ने साउथ कश्मीर को लेके अगर आप देखें यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस एम्स मेडिकल कॉलेजेस सड़कों का जाल बिछाया, खासकर लोगों को जो उसको जुल्म था सितम था पोटा का टास्क फोर्स का इरवान का आर्मी का उसे नजात दिला दिया लोगों को। इसलिए लोग समझते हैं अगर आज वोट की इज्जत है वो इज्जत इसलिए कि पीडीपी सामने खड़ी है। अगर पीडीपी सामने खड़ी नहीं होती, अगर मुफ्ती साहब ने पीडीपी नहीं बनाई होती तो आज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस वो तानाशाही के माहौल में इस वक्त भी काम कर रही होती। तो लगातार निशाना बना रही है यहाँ की इलाकाई पार्टियों को और टीम खादा की राज को लेकर जो है काफी बयान दे रही है, तो कैसे रिएक्ट करेंगे? क्या करेंगे? फ्रस्ट्रेटेड है, उनको पता है जो उन्होंने जम्मू कश्मीर में 5 साल पहले किए हैं, लोग बहुत गुस्से में हैं, लोग उनसे बहुत नाराज हैं और लोग जो है बैलेट का इस्तेमाल करके उनको जवाब देना चाहते हैं, इसलिए वो कुछ भी कह सकते हैं। लगातार एलायंस की जानिब से दावा लगाए जा रहे हैं कि जो अलायंस पार्टियां नहीं बन चुकी है वो बराह रास्त बीजेपी को फायदा पहुंचा रही है। वो तो आपने सुना ही होगा कि धर्मेंद्र राणा साहब ने क्या कहा कि जिस वक्त दिल्ली से बीजेपी के लोग हमारे दरवाजे पे खड़े थे 3 महीने की सरकार बनाओ, तो दिल्ली जाके नेशनल कॉन्फ्रेंस का कौन सा बड़ा लीडर अमित शाह से मिलता था और कहता था हमारे साथ सरकार बनाइए बिला शर्तों शुरू। उसके बाद आज तक भी रात को जो गुलाम नबी आजाद साहब ने बयान दिया कि किस तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप रात के अंधेरे में बीजेपी लीडरों से दिल्ली में मिलती है, अब मैं क्या कहूँ उसका? शुक्रिया।